ही ठीक नहीं, ये कॉल हमारा है। एनपीएस को बैक, गो बैक, गो बैक। गरीब पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कई राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली से उत्साहित राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करवाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार 1 अप्रैल को शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपने अपने विद्यालय और कार्यालयों में वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। अटेवा और अन्य कर्मचारी संगठनों के बैनर तले चलाए गए अभियान में शिक्षकों कर्मचारियों ने एनपीएस वापसी के साथ ही ओपीएस का संकल्प दोहराया। पिछले कई वर्षों से शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग बढ़ती जा रही है और इसके लिए अटेवा प्रदेश से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलन चल रहा है। देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने से उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसी क्रम में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अटेवा की पेंशन बहाली की लड़ाई में शिक्षकों और कर्मचारियों ने शनिवार को अपने अपने विद्यालयों में और कार्यालयों में विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध कर कार्य किया। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि 1 अप्रैल 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर एनपीएस लागू कर दिया गया था। एनपीएस के लागू हो जाने से उत्तर प्रदेश का 14 लाख कर्मचारी पेंशन विहीन हो गया है। इसलिए 1 अप्रैल हमारे लिए काला दिन है, क्योंकि हमारे लिए इसी दिन काला कानून लागू किया गया। कल पूरे प्रदेश का कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांध कर एनपीएस के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेगा। अप्रैल 2005 को उत्तर प्रदेश में एनपीएस व्यवस्था लागू की गई, इसीलिए हमारे लिए काला दिन है, क्योंकि काला कानून इसी दिन लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के 14 लाख कर्मचारियों के साथ यह अन्याय है, छल है, और आज अटेवा के आह्वान पर उनके तमाम विभागीय संगठनों, सहयोगी संगठनों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर स्कूल हो, कॉलेज हो, कार्यालय हो, चाहे PWD हो, सिंचाई हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, डिग्री हो, यूनिवर्सिटी हो, तमाम सारे पंचायती राज विभाग हों, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा के विभाग हों, सब लोगों ने काली पट्टी बांधकर एनपीएस का विरोध किया और पुरानी पेंशन की मांग की है। और अभी 16 अप्रैल को देश का अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें सभी देश के जिला मुख्यालयों पर पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी पुरानी पेंशन मिले। आने वाले समय में NMOPS के कार्यक्रम जारी हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा पुरानी पेंशन बहाली तक। आज के कार्यक्रम की जो उत्साह और उमंग लोगों में दिखाई पड़ा, स्वस्फूर्त दिखाई पड़ा, वो अपने आप अद्भुत है और सभी साथियों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई थी, जिससे प्रदेश के लाखों लाख शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों का बुढ़ापा असुरक्षित हो गया, क्योंकि 30 से 35 साल काम करने के बाद पुरानी पेंशन की एकमात्र सहारा होती थी। पिछले काफी वर्षों से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग अटेवा करता रहा है और आज पुरानी पेंशन व्यवस्था के बंद होने के 18 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाते हुए विरोध जताया है। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो।